एवरीवन, इट्स मी आज, मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इवनिंग स्नैक्स है जो कि होगा हमारा ब्रेड लॉलीपॉप्स। उसके लिए हम लोग एग ले लेंगे। आप लोग चाहो जितना एग उतना ले सकते हो। मैं यहाँ पर दो एग ले रही हूँ। इसको बॉईल करेंगे 15 मिनट्स तक। और अब हम लोग यहाँ पर जब तक एग बॉईल हो रहा है जब तक हम लोग ये वाला बिस्किट लेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का बिस्किट है, आप लोग को कहीं भी मिल जाएगा बिस्किट की शॉप में। तो या और फिर इसको हम लोग बस थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे ना तो ये ग्राइंड हो जाएगा और इसका पाउडर रेडी हो जाएगा। तो इसका पाउडर हमें रेडी करना है। तो हाँ, और हाँ, आप लोग कमेंट्स करके बताना, बिल्कुल भी नहीं भूलना कि आप लोग को ये रेसिपी कैसा लगा। और रेसिपी अगर आप लोग ट्राई कर चुके हो तो ये बताना कि आप लोग को इसका टेस्ट कैसा लगा। बहुत ही ईजिली वे में बहुत ही फटफट बन जाएगा। बिस्किट का पाउडर रेडी हो चुका है और इस तरीके से लुक आ जाएगा उसका। अब हम लोग लेंगे छोटा वाला ब्रेड। आप लोग कोई सा भी ब्रेड ले सकते हो। तो मैं ये ब्रेड ले रही हूँ, इसमें से ये ब्रेड मैं निकाल चुकी हूँ। और इसका जो साइड साइड का पार्ट्स होता है उसको हम लोग कट करके हटा देंगे। ऐसे बाद में मैं कट करके नहीं हटाई थी, तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग कट नहीं भी कर सकते हो तो चलेगा, बट मैं यहाँ पर इसे कट कर रही हूँ। और अब इसको रोटी की तरह हम लोग बेल लेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा कि वो थोड़ा पतला हो जाएगा और इसमें जो ऑयल है वो कम एब्जॉर्ब होगा। तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे। और हाँ, आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना। पहली बार वीडियोस देख रहे हो, सब्सक्राइब कर देना। और ये मैं बना रही हूँ इवनिंग टाइम के लिए, इवनिंग स्नैक्स में। अगर आप लोग बनाना चाहो तो बना सकते हो। और देखो, अब मैं साइड साइड का वो पार्ट्स हटा नहीं रही हूँ, इसको मैं इस तरीके से कर ले रही हूँ, कट कर ले रही हूँ। और अब मैं इसे इस तरीके से करूँगी तो ये खिंचा खिंचा हुआ सा हो जाएगा। और हमें ऐसे ही करना है। एग बॉईल हो चुका है और हमें इतना सारा सामान चाहिए। सो फ्रेंड्स, एग को हमें कट करना है। वन एग में हमारा 4 पीसेस कट होगा। सो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। और उस टाइम मैं आप लोग को शो करी थी कि मेरे पास मैं 2 एग बॉईल कर रही हूँ, बट फिर मैं 1 एग उसमें और डाल दी थी बॉईल होने को। सो तीनों एग्स को हम लोग सेम इस पार्ट में कर लेंगे। 3 एग्स में हमारा 12 पीसेस रेडी होगा और इसमें कोई भी स्पाइसेस वगैरह का ज़रूरत नहीं। और देखो, ब्रेड को उतना ज़्यादा डिग नहीं करना मेरी जैसे बेवकूफ़ बन के, वरना आपका पूरा ब्रेड जो है वो उसी में गल जाएगा। तो अपने हैंड्स पर लेकर के इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डैप डैप करेंगे वाटर से लेकर के। इसे करने से क्या होगा कि लो ऑयल एब्जॉर्ब होगा हमारा फ्राई करते वक्त, और बहुत ज़्यादा हेवी ऑयलिंग इसमें नहीं आएगा। और इस तरीके से करना। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ स्पाइसेस वगैरह डाल नहीं रही क्योंकि बहुत ही झटपट है और ये सिर्फ साल्ट है, तो साल्ट मैं एग पर छिड़क दे रही हूँ। और अब एक एग लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये जो दिख रहा था, तो इसको कवर करने के लिए मैं एक ब्रेड और ले रही हूँ। तो इसको दो ब्रेड से मैं इस तरीके से कवर करी हूँ। और उसके बाद फिर अब इसमें बिस्किट पाउडर में इसको हम लोग इस तरीके से डिप कर लेंगे पूरी तरीके से। और सेम सेकंड वाला भी हम लोग वैसे ही करेंगे। ऐसे लेंगे एग को और इस तरीके से इसको फोल्ड करते करते हुए हम लोग ऐसे बना देंगे। पता है, बहुत ही इजी है ये, हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं। और अगर आप लोग बना रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को कैसा लगा। और हाँ, खाने में ये बहुत ही टेस्टी रहेगा। अगर कोई गेस्ट आपके घर पर आ रहे तो भी अगर आप लोग बना के देते हो, सर्व करते हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब देखो, ये हमारा एक ब्रेड में हो जाएगा। तो मैं उतना देर से ये वाला दिमाग नहीं लगा रही थी, बट लास्ट में ये वाला दिमाग लगाई थी मैं अपना। और ब्रेड हमारा काफ़ी कड़ा हो गया था हवा की वजह से, इसीलिए मैं बार बार उसमें वाटर से इस तरीके से कर रही थी। इससे क्या हो रहा था कि हमारा जो ब्रेड है वो सॉफ्ट हो जा रहा था और फोल्ड ईजिली हो जा रहा था। अब हम सारे का वैसे कर लेंगे। ये हो चुका है हमारा पूरा रेडी। अब हम बेसन रेडी करेंगे। बेसन का सिर्फ घोल बनाना है उसमें, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ साल्ट डाल करके उसमें घोल बना लेना है, और मिर्ची का पाउडर अगर आप लोग को थोड़ा सा तीखा चाहिए तो। और अब इस तरीके से हम लोग फ्राई कर लेंगे। और ये काफ़ी ये देखो, हमारा बन के रेडी हो चुका है। देखने से जितना क्रंची क्रंची लग रहा है, खाने से उससे भी ज़्यादा क्रंची क्रंची लग रहा था, और बहुत ही टेस्टी लगता है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना, टेस्ट भी करना और कॉमेंट ज़रूर।
सो फ्रेंड्स, ये हमारा अवतार हो गया। अवतार में मैं इसको बनाई हूँ, आप लोग इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हो। और ये देखो कॉपर का है हम लोग के घर पर, और ये पता है 80-90 साल पुराना है। और इसमें पानी पीने से हमें हमारे हेल्थ पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और ये सब हमारा अवतार हो गया, बहुत ही हल्का फुल्का अवतार है, ज़्यादा हेवी नहीं है। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट रू अफ्जा, इसको मैं नहीं पीती हूँ तो मेरा मज़ा नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, या आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, कमेंट्स करना, लाइक करना। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी मुलाकात।